तो चलिए चीज़ों को फिर से स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो में हम जैसा कि हम लोगों ने बात की थी इंटीजर कांस्टेंट के बारे में, तो इंटीजर कांस्टेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो इंटीजर कांस्टेंट की रेंज थी। जी हाँ, इंटीजर कांस्टेंट की रेंज -32,768 से लेकर +32,767, जी हाँ ये इसकी रेंज है। अगर आप इस रेंज के बीच में कोई भी नंबर यूज़ करने वाले हैं तो आप लोगों को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, तो आप लोगों को इंटीजर वेरिएबल ही यूज़ करना होगा। जी बिल्कुल सही। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, इसके आगे हम लोग सिंपली देखेंगे रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। तो मतलब अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले रियल कांस्टेंट की। आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसका सिंपल सा एग्जाम है कि मतलब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है 0 से 9 तक की नंबर, या 0 से 9 तक की नंबर से मिलकर बनने वाली कोई भी नंबर, और जो सिंबल है वो भी इंक्लूड हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस आल्सो इंक्लूडेड। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो रियल कांस्टेंट के बारे में, और जैसा कि आप रियल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं सेम चीज़ इंटीजर जैसा ही है, 0 से 9 तक की नंबर या 0 से 9 तक के मिलकर बनने वाली नंबर। लेकिन क्या, अगर इनके बीच में कहीं भी डेसिमल पॉइंट है तो फिर वो हमारी फ्लोट नंबर होगी, वो हमारी रियल नंबर होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और सीधी सी बात है कि आपका जो सिंबल है वो भी इंक्लूडेड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल कॉन्स्टेंट इज यूजअली यूज इफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट इज आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, आप देखते हैं कि हम लोग रियल नंबर का एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन तब करते हैं जब हम लोगों को बहुत छोटी नंबर या जब हम लोगों को बहुत बड़ी नंबर यूज़ करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन का आप छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, वो एग्जांपल क्या है, देखिए ये एक यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर होता है ई, और इस कैरेक्टर के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक एक होता है हमारा, इसको हम लोग शायद मेंटिसा बोलते हैं, वैसे आगे इसमें मेंशन किया गया है, और इसको हम लोग अपनी पावर, जी हाँ ये हमारी पावर हो जाती है, 10 to the power है ये। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेंटिसा में क्या होता है कि मेंटिसा में ऐसी कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं जिसका आपको मल्टीप्लाई कराना हो। जैसे अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 3.2 × 10 to the power, सॉरी यहाँ पर जाने जाए क्योंकि पेज ख़त्म हो गया है, -15, आप यहाँ समझ लीजिएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो एक्सपेंड करके अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा। तो कहने का मतलब जो ई के पहले वाला भाग है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और जो ई के बाद वाला भाग है वो हमारी 10 की पावर में जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आई ही आए, एक्सपोनेंशियल का यूज़ हम आपको पता है कब करते हैं, एक्सपोनेंशियल का यूज़ हम लोग करते हैं जब क्या होगा, जब हम लोगों को किसी भी रियल नंबर का मतलब कोई बहुत ही बड़ी रियल नंबर यूज़ करनी हो या कोई बहुत ही छोटी रियल नंबर यूज़ करनी हो, तभी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप भी जानते हैं। चलिए उसके आगे हम देखेंगे तो चीज़ें और सिंपल होती हुई आपको दिखाई देंगी। चीज़ें क्या हैं ध्यान से देखेंगे आप, चीज़ें क्या हैं, हाँ उसके बाद आपका आता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल इसका दिया हुआ है। यहाँ पर आपका सिंबल भी है, मतलब प्लस माइनस भी, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ आपका ये आपका मेंटिसा वाला पार्ट है और ये आपका पावर वाला पार्ट है। मतलब अगर हम इसको देखेंगे एक्सपेंड करेंगे तो 3.2 × 10 to the power -5, जी हाँ यही आएगा हमारा। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है ये, और इतना सिंपल ही, और यहाँ से लगभग सारी चीज़ें इतनी ही सिंपल चलने वाली हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके आगे आप देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट, जी हाँ कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में जान लीजिए। कैरेक्टर कांस्टेंट आपका बड़ा सिंपल सा, यहाँ पर देख लिए जैसा कि इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एक ऐसा कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो, हमारा वो क्या कहलाता है, जी हाँ वही हमारा
कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। ऐसा कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो वही आपका क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। उसके बाद आप और देख सकते हैं आगे, जो आगे की जो चीज़ें हैं, आगे आपका टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल। जी सी वेरिएबल, वेरिएबल के टाइप यहाँ से हम देखेंगे। उससे पहले आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है AT5। और मतलब यहाँ तक कि जो स्पेशल सिंबल है इक्वल वाला, अगर आपने इसके बाहर भी मतलब अगर आपने इसको भी सिंगल कोट से बंद कर दिया है तो ये भी आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो चीज़ें और भी इजी होती जाएंगी आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ध्यान समझेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ सी वेरिएबल, सी वेरिएबल के यहाँ पर जो आपके टाइप हैं, जो प्रकार हैं, वो क्या हैं। एज वी सॉ अर्लियर एन एंटिटी दैट मे वेरी वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरिएबल नेम्स आर नेम्स गिवन टू लोकेशन मेमोरी। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें और देख लीजिएगा, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। तो जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बिना वेरिएबल के आपका कोई भी डेटा स्टोर होने वाला नहीं है, और एक चीज़ और जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो फिर क्या करते हैं, जब कोई भी तो बिना वेरिएबल के नाम मतलब बिना वेरिएबल नाम के कोई भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वेरिएबल ही एक ऐसा टोकन है जो क्या करेगा, जो आपके प्रोग्राम में यूज़ होने वाले डेटा को स्टोर करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स दिए गए हैं। कौन कौन से रूल्स हैं, अ वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट। मतलब 1 से 31 अल्फ़ाबेट जो आप मतलब 1 से 31 अल्फ़ाबेट के बारे में जिनको आप जानते हैं, उन अल्फ़ाबेट में किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप वेरिएबल के नाम में उन अल्फ़ाबेट्स में किसी भी अल्फ़ाबेट को बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, तो वही आपका ये रूल बता रहा है, वही आपका ये रूल आपसे कह रहा है। अगला जो रूल है हमारा वो है, द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, जो आपके वेरिएबल का पहला कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं, अल्फ़ाबेट ही होगा, अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ना ही तो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिक नंबर और ना ही किसी भी प्रकार का स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल तो आपको यूज़ ही नहीं करना है, ये आगे एक इम्पॉर्टेंट रूल बनेगा आपका आगे चलकर, कि स्पेशल सिंबल आप अपने वेरिएबल के नाम में यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, हम लोग इसका मतलब हम लोग यूज़ करेंगे अपने अंडरस्कोर का। ये जैसे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर ये हम मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है, नो स्पेशल सिंबल अदर देन एन अंडरस्कोर। जैसा कि एग्जांपल भी आपको एकदम आप सिंपल देख सकते हैं, ग्रॉस मतलब। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका, वो यही है कि वेरिएबल के नाम में आप स्पेस का भी यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, वेरिएबल के नाम में आप स्पेस का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो वहीं इसीलिए डेनिस रिची जी ने क्या किया, स्पेस के स्थान पर इस अंडरस्कोर को जगह दी, कि आप अगर स्पेस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं, SIENT MHRA ऐसा कुछ करके आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब बात आती है एक थोड़ा सा जो इसमें एक्सपेंसिव बात है, जो आपकी इसमें अपवादित बात है, वो ये है कि जिसमें कि जो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि चीज़ें थोड़ा सा र्यूमर्स हो जाती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको समझेंगे, अगर आप उसके एकदम जड़ तक जाएंगे तो जो है आपके लिए वो चीज़ें र्यूमर्स होंगी नहीं, र्यूमर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। र्यूमर्स को अपने लाइफ में जगह देनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलाउ वेरिएबल नेम्स हो जो हुज लेंथ कुड बी अप टू 247 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जी वेरिएबल की लेंथ 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, वेरिएबल की लेंथ 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये लेंथ होती है आपका किसमें, पुराने कंपाइलर्स में। पुराने कंपाइलर आपके वेरिएबल के नाम का लगभग मतलब आपके वेरिएबल के नाम में 8 कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का वेरिएबल जो है वेरिएबल नेम नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन अब के जो नई कंपाइलर आ रहे हैं उसमें आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लगभग 247 या किस में तो, मतलब किसी
किसी किसी कंपाइलर में तो इससे भी ज़्यादा वेरिएबल नेम हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपको ही दिक्कत पड़ेगी जब इतना बड़ा वेरिएबल नेम होगा, क्योंकि भाई वेरिएबल नेम एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने 10-15-20 कैरेक्टर का एक वेरिएबल जो है, आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाया और आपको आगे प्रोग्राम में उसको यूज़ करना है, तो जब आप उसको बार बार यूज़ करेंगे तो फिर कैसे चीज़ें जो आसानी से काम करेगी, आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। इसीलिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ों को इजीली डील करिए आप आसानी से। अगर आप ए भी लिख देना तो मतलब आप केवल, अगर आप एक केवल अगर आप केवल एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका वो एकदम सेम उसी वेरिएबल नेम की तरह काम करेगा जितना लंबा आपका 15 कैरेक्टर्स का वेरिएबल काम करता है। तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक कैरेक्टर का बनाइए, आप 10 कैरेक्टर का बनाइए, आप 50 कैरेक्टर का बनाइए, लेकिन टर्बो सी है जो आपका, टर्बो सी में जो आपका पुराना कंपाइलर यूज़ होता था उसमें वो 8 कैरेक्टर तक का ही लेता है। और मेरे हिसाब से जब आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के आप प्रोग्राम को बनाइएगा या कोई भी प्रोग्राम बनाइएगा तो वहाँ पर भी आप लोग 8 कैरेक्टर का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर का कोई भरोसा नहीं एग्ज़ाम आपके प्रोग्राम को किस तरह डील कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें क्या है कि हम लोग जो है अपने कंफर्ट जोन में रहकर चलेंगे, हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे देखेंगे क्या है। उसके आगे हमारा है द रूल्स रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स। ये देखिए यहाँ पर जैसा कि ये लाइन लिखी, इंपॉर्टेंट है, दीज रूल्स रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो रूल हैं प्राइमरी डेटा टाइप के लिए भी हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप के लिए भी हैं, दोनों के लिए हैं, ठीक है। और जैसा कि एक रूल जरूर याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया हुआ था, वो रूल क्या था कि वेरिएबल का नाम किसी भी प्रकार के नुमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप नुमेरिक नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो जी हाँ, वेरिएबल के नाम के बीच में और वेरिएबल के नाम के लास्ट में, लेकिन वेरिएबल के नाम से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर सीधा सीधा क्लियरली मेंशन किया है कि वेरिएबल का नाम कैसे स्टार्ट होगा, किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल हैं मतलब आप उसको एक रूल ही बना लीजिए, वैसे तो एक बेसिक फैक्ट है लेकिन आप उसको रूल मानकर भी चल सकते हैं। वो क्या चीज़ है, वो है आपका ये कि कहने का मतलब जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना ज़रूरी है। मतलब आप अगर कोई एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं कोड नाम का, और आप जानते हैं कि उस कोड नाम के वेरिएबल में हमको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, तो फिर हमें उसको कैर से डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें इंट फ्लोट कैर, अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता कि कैर ही करें, हमें कैसे पता कि फ्लोट ही करें, या आप जो बता रहे हैं वो हम कैसे मान लें कि एकदम सही सही है। तो ये चीज़ें आपको आगे कीवर्ड में पता चल जाएंगी, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। ये आपके सी लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड हैं जिन्हें उसी समय यूज़ किया जा सकता है जिस समय हम लोगों को इनकी बेसिक नीड हो या हमको ये बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी हो, तभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और अन्यथा की स्थिति हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। तो सिंस द मैक्सिमम अलाउड लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इज 31 कैरेक्टर, तो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे लंबी रेंज 31 कैरेक्टर तक की हो सकती है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि 31 अल्फ़ाबेट है। अगर हम पूरे के पूरे 31 अल्फ़ाबेट को जोड़ दें तो फिर ये चीज़ें बड़ी ही मतलब, तो फिर आप लोग मैक्सिमम कितने 31 कैरेक्टर ही अपने उसमें यूज़ कर पाएंगे। वो बात है कि वो रिपीट हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही। तो वो मतलब लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फ़िलहाल के लिए जो जो आज जो हमारे पास आज जो वेरिएबल का एक इम्पॉर्टेंट रूल है वो यही है कि वेरिएबल का जो आपका नाम है वो 1 कैरेक्टर से अबव नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। तो आज हम लोग वेरिएबल के रूल तक ही पढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और यहाँ पर दिया गया है। एक दो चीज़ और देख लीजिए कि वेरिएबल के नेम को हम अलग कैसे करते हैं, मतलब अगर हमको एक ही टाइप के कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो आप जो इजीली उसका टाइप लिखिए, जैसे हम लोगों को इंट टाइप की 3 वेरिएबल करने हैं, तो आप इजीली उसका टाइप लिखिए, टाइप लिखने के बाद स्पेस दीजिए, भाई स्पेस आपको देना पड़ेगा नहीं तो वो चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंट सी, जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, अगर यहाँ स्पेस नहीं होता तो ऐसा लगता जैसे लिखा हुआ है ये इंट सी, और इंट सी किसी भी प्रकार का कीवर्ड नहीं है, तो ये सिंपल सा आपका सिंटेक्स एरर बन जाएगी। अगर आप इंट यूज़ कर रहे हैं, इंट के बाद चीज़ें अलग हैं, तो वहाँ से वो देख रहा है कि हाँ इंट इंट कंपाइलर को समझ में आया कि इंट मीन्स मतलब जो इंट के आगे जो वेरिएबल लिखे हुए हैं वो इंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आपको किसी एक टाइप के कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आगे आप उसका टाइप लिखिए,
और टाइप लिखने के बाद आप वेरिएबल को कॉमा से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमा क्या करेगा, आपके वेरिएबल को अलग कर देगा। अब ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। चूंकि ये एक ही लाइन में है इसलिए इन तीनों का टाइप क्या है, जी हाँ सेम है। अब कीवर्ड के बारे में हम कल बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, नहीं तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उसे प्रोसेस करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ये आप लोगों के लिए दिक्कत देगा।